नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। राशिफल के श्रृंखला में आज 4 मई 2022 वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि 7:32 AM तक ही तृतीया तिथि रहेंगे, उपरांत सुबह 7:32 के बाद चतुर्थी तिथि का आगमन हो जाएगा और इस समय विनायक चतुर्थी की भी पूजा होगी, गणेश जी की भी पूजा होगी। नक्षत्र रहेंगे मृगशिरा, पूरे दिन राशि रहेंगे वृषभ राशि 4:46 PM तक, उपरांत मिथुन राशि का आगमन हो जाएगा। राहु काल रहेंगे 11:46 सुबह से 1:25 दोपहर तक तथा रात्रि में रहेंगे 11:46 PM से 1:07 PM तक। तो आइए आज का राशिफल शुरू करें। सबसे पहले मेष राशि, चंद्रदेव आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं बुध के साथ, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, मृगशिरा नक्षत्र में। मंगल बैठे हुए हैं शनि के साथ आपके एकादश स्थान पर, तो बहुत ही सुंदर समय है आपका। धन धान की कोई कमी नहीं होगी, इनकम के अच्छे साधन रहेंगे, जमीन के व्यापार से काफ़ी लाभ होगा, इंजीनियरिंग सेक्टर से काफ़ी लाभ होगा। सूर्य राहु बैठे हुए हैं आपके लग्न पर, सूर्य 19 डिग्री पे हैं और राहु 28 डिग्री पे हैं, तो बहुत ही नज़दीक हैं एक दूसरे से। सूर्य को जो फल देना चाहिए राहु के साथ रहने से वो फल नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी मान सम्मान आपका बढ़ा हुआ रहेगा। बहुत सारे व्यक्ति को आपसे आज काफ़ी जलन होगी और साजिश भी आपसे कर सकते हैं। केतु बैठे हुए हैं आपके 7th स्थान पर जो बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति बाड़मेर में बैठे हुए हैं, तो विदेश से काफ़ी लाभ होने की संभावना है, आपको प्रबल है। वाणी में काफ़ी मधुरता रहेगी, काफ़ी बुद्धिमता रहेगी। 11:35 से लेकर 12:29 तक का समय, ये समय थोड़े से खर्च का समय है, संतान के अच्छे रिजल्ट्स होंगे लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी, काफ़ी अधिकता रहेगी खर्च की। स्वास्थ्य पे भी थोड़ा सा बुरा असर पड़ सकता है। 12:29 से लेके 4:46 तक का समय, ये समय आपके लिए काफ़ी खूबसूरत समय है, काफ़ी सुंदर समय है और पूरे दिन का ये बेहतरीन समय है आपका। हर इच्छाएं पूरी होंगी, संतान को काफ़ी लाभ होगा, जमीन जायदाद से आपको काफ़ी लाभ होंगे। जो व्यक्ति इंजीनियरिंग सेक्टर में है काफ़ी लाभ होगा, जो व्यक्ति आयरन का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, काफ़ी लाभ होगा। कर्म क्षेत्र से आपको काफ़ी लाभ होने जा रहा है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में हो। एजुकेशन फील्ड में जो हैं उन्हें भी काफ़ी लाभ होगा, तो काफ़ी अच्छा समय है, पूरे दिन का ये बेहतर समय है। 12:29 से लेकर 4:46 तक का समय पूरे दिन का बेहतर समय है। 4:46 के बाद चंद्रदेव ट्रांजिट करके चले जाएंगे मिथुन राशि में, जो आपके तृतीय भाव की राशि है। हालांकि चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में ही रहेंगे, तो इस समय आपको यात्रा का काफ़ी योग होगा। इस समय जो संचार माध्यम से काम करते हैं उन्हें काफ़ी लाभ होगा। 4:46 से लेकर 8:35 तक का समय, ये समय आपके लिए काफ़ी लाभ का समय है
और हर तरफ से आपको लाभ होगा। तो कुल मिलाकर दिन आज आपका बहुत ही अच्छा है। आज के दिन आप दुर्गा जी के 32 नामों का जाप जरूर करें, अर्गला का पाठ जरूर करें, गणेश जी का 108 नाम जाप करें, काफी लाभ होगा आपको, दिन आपका शुभ हो। वृषभ राशि, चंद्रदेव आप ही की राशि पर बैठे हुए हैं, बुध के साथ बैठे हुए हैं, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, मंगल आपके दशम भाव में बैठ के पूर्ण दिग्बली हो गए हैं। मंगल के साथ शनि भी बैठे हुए हैं, अपने ही घर में शनि बैठे हुए हैं और शनि भी मंगल के ही नक्षत्र में है, तो आज का दिन आपका बहुत ही खूबसूरत दिन है। हर काम से आपको लाभ पहुंचेगा, विशेष करके जो जमीन का काम करते हैं, जो फर्नीचर का काम करते हैं, जो लकड़ी उद्योग से काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी में काम करते हैं, उन्हें काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं प्रबल हैं। जो सेना में है, जो पुलिस में है, उनका भी प्रमोशन हो सकता है, उन्हें भी काफ़ी लाभ मिल सकता है। जो व्यक्ति फिल्मों में है, मॉडलिंग करते हैं, फिल्म का स्क्रिप्ट लिखते हैं विशेष करके, उन्हें आज काफ़ी लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, प्रशासन में है, डॉक्टर्स हैं, उन्हें विदेश से लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं, वरना उनका दिन बहुत अच्छा नहीं है। 10:35 से लेकर 12:29 तक का समय, ये समय आपके लिए काफी शानदार समय है। जिस क्षेत्र में आप हाथ रख देंगे उस क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। इस समय आपको शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं, विदेश से लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। 10:35 से लेकर 12:29 तक का समय आपके लिए बड़ा ही सुंदर समय है। 12:29 से लेकर 4:46 तक का समय, ये भी समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। कंस्ट्रक्शन के काम करने वाले के लिए समय बड़ा ही सुंदर होगा। रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले के लिए समय बहुत ही सुंदर होगा। पुलिस सेवा वाले के लिए समय बहुत ही सुंदर होगा। जो व्यक्ति प्राइवेट जॉब में है, मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, उन्हें काफ़ी लाभ होगा। जो व्यक्ति प्राइवेट जॉब में है, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, केमिकल उद्योग से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी काफ़ी लाभ होंगे। आज के दिन एजुकेशन सेक्टर में जो जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर में जो जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी खुश होंगे, उन्हें काफ़ी लाभ मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं। 12:29 से लेकर 4:46 तक का भी समय काफ़ी शानदार है। 4:46 PM के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे आपके धन भाव में, मिथुन राशि में चले जाएंगे और चंद्रमा मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे, तो 4:46 से आपका समय बहुत ही सुंदर है। धन का संचय करेंगे आप, तथा जिस क्षेत्र में आप हाथ लगा देंगे दवा क्षेत्र के छोड़कर, दवा क्षेत्र वाले को आज ज़्यादा फायदा होने की संभावनाएं नहीं दिखती हैं, तो दवा क्षेत्र को छोड़कर जिस क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। तो पूरा दिन आपके लिए एक सुंदर दिन है। गणेश जी का 108 नाम जाप करें तथा दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जाप करें, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संसिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मिथुन राशि, चंद्रदेव आपके 12वें में बैठे हुए हैं, बुध के साथ बैठे हुए हैं, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, मंगल आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो आज के दिन यात्रा करना बहुत शुभ संकेत नहीं है, लेकिन आप विश्वास जाने कि आज के दिन जो व्यक्ति विदेश से काम करते हैं
उन्हें काफी लाभ होगा। जिनके बच्चे विदेश जाना चाहते हैं उनके बच्चे भी विदेश जा सकते हैं। जो छात्र छात्राएं विदेश में पढ़ाई करना चाहती हैं चाहते हैं वो भी विदेश जा सकते हैं। जो व्यवसायी विदेश से कुछ एग्रीमेंट करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करते हैं, उन्हें काफी लाभ मिलेगा। 10:35 से लेकर 12:29 तक का समय भाग्य काफी साथ देगा। कर्म के क्षेत्र में आपकी काफी तारीफ की जाएगी। जो आदमी लेखनी के धनी हैं उन्हें काफी लाभ मिलेगा। जो आदमी टीचर हैं, उपदेशक हैं, फिल्मों में काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, समय उनका बड़ा ही प्रबल है, बड़ा ही सुंदर समय है। 12:29 से लेकर 4:46 तक का समय भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। पराक्रम आपके काफी बढ़े हुए रहेंगे तथा खर्च की बहुत ज्यादा अधिकता दिखलाई दे रही है इस समय। और खर्च की अधिकता के कारण कुछ जमीन जायदाद में भी बेचने की नौबत आ सकती है। 4:46 के बाद चंद्रमा आप ही की राशि में चले जाएंगे। तो मिथुन राशि वाले 4:46 PM के पहले आप किसी भी तरह का लंबी यात्रा न करें। 4:46 के बाद समय आपका बड़ा ही अच्छा आ जाएगा। हर काम में आपको सफलता मिलेंगे। पराक्रम आपका काफी बढ़ा हुआ रहेगा। और 4:46 से लेकर 8:35 तक का समय जहां आपको पूर्ण लाभ होगा, मान सम्मान मिलेगा, लेकिन आप किचन में जाने से थोड़े से बचें, अग्नि से थोड़े से बचें। अग्नि से थोड़ी तकलीफ हो सकती है, जानवरों से थोड़े से बचें, जानवरों से भी कुछ तकलीफ हो सकती है। बुधवार का दिन है, आप बुध के मंत्रों का जरूर जाप करें। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम स बुद्धाय नमः, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम स बुद्धाय नमः तथा दुर्गा जी का 108 नाम या 32 नाम दुर्गा जी का कम से कम आप 3 बार जरूर जाप करें। काफी लाभ होगा आपको, दिन आपका शुभ हो। कर्क राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके एकादश स्थान पर। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, मंगल आपके बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। तो उन व्यक्तियों के लिए जिनके जमीन जायदाद के पैसे फंस गए थे, कोई लेके भाग गया था, या आज देंगे कल देंगे की भाषाएं चल रही थी, उनके के लिए समय बहुत अच्छा है। राहु सूर्यदेव आपके दशम स्थान में बैठे हुए हैं, तो प्रशासन वाले को काफी लाभ मिलेगा। आज के दिन डॉक्टर्स को विशेष लाभ मिलेगा। वैसे डॉक्टर जो शल्य चिकित्सक हैं यानी सर्जरी करते हैं, उनका दिन बहुत ही शानदार है। जो व्यक्ति दवा का काम करते हैं उनका दिन भी शानदार है। जो व्यक्ति होम्योपैथ दवा का काम करते हैं उनका दिन भी बहुत ही शानदार है। माता से थोड़ी कष्ट हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे। शेयर सट्टा लॉटरी से भी आज फायदा होने की संभावनाएं प्रबल हैं। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। शिवालय जाएंगे, मंदिर जाएंगे और भगवान के सामने अपने दुख तकलीफ को रख के उनके मंत्र को जाप करेंगे। आज के दिन आप काफी धार्मिक रहेंगे। 10:35 से लेकर 12:29 तक का समय, ये समय थोड़ा अच्छा नहीं है, कुछ चोट वगैरह आपको लग सकता है, किचन में थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इस समय बच के रहें थोड़ा। 12:29 से लेकर 4:46 तक का समय यात्रा में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, वाहन सावधानी से चलावें। लेकिन जो व्यक्ति इंजीनियरिंग सेक्टर में है उन्हें काफी लाभ मिलेगा।
4:46 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे आपके मिथुन राशि में, जो आपके 12वें भाव की राशि है। ऐसे में आप भूल कर भी कोई भी यात्रा न करें। 12वें चंद्र में यात्रा करना वर्जित माना जाता है। तो 12वें चंद्र जा रहे हैं और भी मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं। मंगल आपके 8वें भाव में शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो 4:46 के बाद आप अपनी यात्रा को रोक दें, वरना थोड़े बहुत दिक्कत हो सकते हैं। वैसे अपने विवेक से काम लें आप। 4:46 से लेकर 8:35 तक का समय तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है। तो कर्क राशि वाले, आज दिन आपका बहुत अच्छा नहीं है। आज के दिन आप गणेश जी का 108 नाम जाप करें। सबसे पहले गणेश जी के 108 नाम जाप करने के बाद आप हनुमान चालीसा जरूर पाठ करें। चंद्रदेव मंगल के ही नक्षत्र में है, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभकर होगा। तो आज के दिन हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ करें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। सिंह राशि, चंद्रमा आपके 10वें स्थान में बैठे हुए हैं, बुध के साथ बैठे हुए हैं। बुध भी आपकी कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में है, तो कर्म का क्षेत्र आज बहुत शानदार रहेगा। हर काम में सफलता मिलेंगे। जो एजुकेशन सेक्टर में है काफी सफलता मिलेंगी, जो फाइनेंस सेक्टर में है काफी सफलता मिलेगा, विशेष करके जो इंश्योरेंस सेक्टर में है, दिन आज आपका होगा। शनि मंगल बैठे हुए हैं आपके 7वें स्थान पर। मंगल आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है, तो भाग्य से भाग्य काफी साथ देगा आपको व्यवसाय में। व्यवसाय से आपको, विशेष करके पार्टनरशिप के व्यवसाय से भी आपको काफी लाभ हो सकता है। पुलिस सेवा में है, उन्हें भी लाभ होगा। मंगल शनि 7वें स्थान में बैठकर आपके दाम्पत्य जीवन में काफी तनाव दे रहे हैं। मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में है, आप बृहस्पति 8वें में बैठे हुए हैं, शनि मंगल के ही नक्षत्र में है, तो कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन की स्थिति बहुत अच्छी दिखलाई नहीं देती है। जमीन जायदाद से आपको अचानक लाभ हो सकता है, धन आप ज्यादा जमा कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं धन का। जो व्यक्ति फिल्मों में काम करते हैं, खास करके गायकी करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। 10:35 से लेकर 12:29 तक का समय बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन धन संचय करने का समय है। मान प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी हो सकती है, बिना मतलब के लोगों से झंझट हो सकता है, आपके खिलाफ बिना मतलब के लोग साजिश कर सकते हैं। 12:29 से लेकर 4:46 तक का समय पार्टनरशिप के व्यापार में फायदा होगा, पार्टनर से थोड़े अनुबंध ज्यादा जारी रहेंगे। 4:46 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे मिथुन राशि में, जो आपके 11वें स्थान की राशि है, और चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। तो 4:46 के बाद समय आपका बहुत ही शानदार आ जाएगा, बहुत ही खूबसूरत समय आ जाएगा। हर तरफ से आपको लाभ होंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी, संतान से अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं। तो दिन आज आपका मिला जुला ही है। सबसे तो पहले सूर्य को जल चढ़ावें, गायत्री मंत्र का जाप करें, तथा आज के दिन हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ करें, दिन आपका शुभ हो। कन्या राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके भाग्य भाव पर, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, मंगल बैठे हुए हैं आपके 6वें स्थान पर। मंगल आपकी कुंडली में 8वें स्थान के स्वामी है, मंगल आपके 3वें स्थान के स्वामी है, तो बड़ा ही शानदार विपरीत राजयोग पैदा कर रहे हैं।
शत्रुओं का समन होगा, जमीन जायदाद से लाभ होंगे आपको, विशेष करके वैसे विद्यार्थी जिनका प्रतियोगिता परीक्षा में रिजल्ट्स निकलने वाला है, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकलेंगे। वैसे व्यक्ति जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनका दिन आज बहुत ही खूबसूरत है। स्पोर्ट्स में वो अपनी पूरी तरह से पराक्रम को दिखाएंगे और उन्हें काफ़ी लाभ होगा। बृहस्पति शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन पर बैठकर आपके दाम्पत्य जीवन को काफ़ी सुंदर बना रहे हैं। बृहस्पति देव आपके लग्न और राशि को देखकर मान प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, काफ़ी धार्मिक बना रहे हैं। बृहस्पति देव आपके एकादश स्थान को देखकर धन का लाभ दिला रहे हैं। बृहस्पति देव तृतीय स्थान को देखकर विशेष करके संचार माध्यम से काफ़ी लाभ दिला रहे हैं, भाई से काफ़ी लाभ दिला रहे हैं। माता का स्वास्थ्य बहुत ही शानदार रहेगा, पिता के स्वास्थ्य से आपको चिंता हो सकती है। 10:35 से लेकर 12:29 तक का समय काफ़ी सफलता का समय है। हर मामले में आप सफल रहेंगे। 12:29 से लेकर 4:46 तक का समय शत्रुओं का समन होगा, जमीन जायदाद से लाभ होंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्लड प्रेशर पर आप ध्यान दें। इस समय थोड़े से ब्लड प्रेशर की स्थिति अच्छी नहीं रह सकती है। विदेश से काफ़ी लाभ होने की स्थिति है इस समय आपको। 4:46 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे आपके कर्म भाव में, मिथुन राशि में चले जाएंगे और समय आपका और भी अच्छा हो जाएगा। अपने नए नए काम की परियोजना बनाएंगे, नए व्यवसाय की परियोजना बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी आप कर सकते हैं। तो दिन आज आपका कन्या राशि वाले, दिन आज आपका काफ़ी अच्छा है। दिन कहीं भी खराब नहीं है आपका। फिर भी आज गणेश जी का 108 नाम का जरूर जाप करें, उपरांत मंगल के मंत्रों का जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रौम सभोमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम सभोमाय नमः। काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। तुला राशि, चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, साथ में बुध भी बैठे हुए हैं, तो आज के दिन चंद्रमा अष्टम भाव में आपको 4:46 PM तक रहेंगे। तो आपको परामर्श दिया जा रहा है कि 4:46 PM तक किसी भी तरह का यात्रा से अपने आप को दूर रखें। मन भी थोड़ा बेचैन रहेगा लेकिन बुद्धि बहुत तेज काम करेंगे आपके। बहुत सारे नए नए परियोजना को आज के दिन आप लागू कर सकते हैं, लेकिन आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य पे ध्यान दें, स्वास्थ्य में आपके प्रॉब्लम रह सकते हैं, मन थोड़ा बेचैन रह सकता है, लेकिन काफी धार्मिक रहेंगे आप। जो व्यक्ति पार्टनरशिप में काम करते हैं उन्हें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनरशिप हाउस में आपके सूर्यदेव और राहु बैठे हुए हैं, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो पार्टनरशिप से आपको नुकसान होने की संभावना है। पार्टनर आपसे धोखा कर सकते हैं। लाभ में भी आज कमी हो सकती है आपको। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। शनि आपकी कुंडली में भी मंगल के ही नक्षत्र में है। हालांकि जमीन जायदाद से आपको लाभ हो सकता है, भाई से आपको लाभ हो सकता है, पिता से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन माता के स्वास्थ्य के कारण आपको परेशानी होगी। 10:35 से लेकर 12:29 तक का समय जो व्यक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दिए हुए हैं उनके रिजल्ट्स काफ़ी सुंदर होंगे, अच्छे होंगे। जिनका प्रतियोगिता परीक्षा है उनके भी काफ़ी अच्छे परीक्षा जाएंगे।
आज कंपटीशन की भावना आप में सबसे ज्यादा इस समय रहेगी और आप उसमें काफी खड़े उतरेंगे। पुलिस सेवा वाले को काफी मदद मिलेगा, प्रशासन में जो है थोड़ा संभल के चलेंगे, हर अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर रखेंगे। 12:29 से लेकर 4:46 तक का समय संतान से थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो संतान की परेशानी पर विशेष नजर रखें आप। 4:46 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे मिथुन राशि में और 4:46 के बाद आप किसी भी तरह का यात्रा पे जा सकते हैं। मिथुन राशि आपके भाग्य भाव की राशि है, चंद्रमा मिथुन राशि में जाएंगे और चंद्रमा मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे। मंगल आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। 4:46 के बाद शानदार समय आपका चालू हो जाएगा। नवम पंचम का शानदार योग लगा हुआ रहेगा, हर बिगड़े काम बनेंगे, आमदनी के अच्छे अच्छे स्रोत खुल सकते हैं, जमीन जायदाद से लाभ हो सकता है। 4:46 से लेकर 8:35 तक का समय आपके लिए शानदार समय है। तो कुल मिलाकर तुला राशि वाले, दिन आपका मध्यम है लेकिन 4:46 के बाद दिन काफी उत्तम हो जाएगा। आज के दिन आप गणेश जी के मंत्रों का जरूर जाप करें, कम से कम 108 बार, तथा लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, शुक्र के मंत्रों का जाप करें और लाल गाय को थोड़ा गेहूं खिला दें। 1.25 किलो गेहूं खरीदें और लाल गाय को अपने हाथ से गेहूं खिला दें, बहुत ही उत्तम लाभ मिलेगा आपको, दिन आपका शुभ हो। वृश्चिक राशि, चंद्रमा बैठे हुए हैं आपके सप्तम स्थान पर, बुध के साथ बैठे हुए हैं, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा से मंगल दशम में बैठे हुए हैं, तो व्यवसाय करने वाले को काफी लाभ होगा। जमीन जायदाद के व्यवसाय करने वाले को काफी लाभ होगा। इंजीनियरिंग सेक्टर के व्यवसाय में काफी लाभ होगा आपको। लोहे के व्यापारी को काफी लाभ होगा। केमिकल का जो व्यापार करते हैं उनको काफी लाभ होगा। बृहस्पति शुक्र आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, संतान को काफी लाभ दिला रहे हैं, आपके इनकम को सप्तम दृष्टि से दोनों देख के बढ़ा रहे हैं। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि आपके नवम पर पड़ रही है, धर्म कर्म में काफी रुचि रहेगा, विदेश से काफी लाभ मिलने की संभावना है, आपके संतान को उच्च शिक्षा में एडमिशन होने की संभावनाएं हैं। अगर आप छात्र और छात्राएं हैं तो आपका भी एडमिशन काफी उच्च शिक्षा के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट में हो सकता है, रिजल्ट्स काफी अच्छे होंगे आपके। लेकिन उन व्यक्तियों को लाभ नहीं मिलेगा जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन व्यक्तियों को लाभ नहीं मिलेगा जो पॉलिटिशियन हैं। ये लोग अपने क्षेत्र में जाएंगे तो पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। 10:35 से लेकर 12:29 तक का समय, ये समय आपके लिए काफी लाभदायक समय है। जमीन जायदाद से आपको काफी लाभ मिलेगा, संतान से काफी लाभ मिलेगा, संतान के काफी अच्छे रिजल्ट्स होंगे। 12:29 से लेकर 4:46 तक का समय, ये समय थोड़ा अच्छा नहीं है, माता के स्वास्थ्य से भी आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो एनजीओ चलाते हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा आज के दिन। जो प्राइवेट सेक्टर में है, विशेष करके फिल्म लाइन में है, विशेष करके शिक्षा लाइन में है, उनको काफी लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप व्यापार से आपको आज के दिन काफी लाभ मिलने वाला है। 4:46 के बाद
चंद्रदेव चले जाएंगे मिथुन राशि में, जो आपके अष्टम भाव की राशि है, तो मन थोड़ा बेचैन रहेगा, हर काम में अवरोध आएंगे, तथा किसी भी तरह का यात्रा करना 4:46 के बाद आपके लिए शुभ कर नहीं रहेगा। तो जो भी यात्राएं आपको करनी है वो 4:46 के पहले ही करें। 4:46 PM के बाद किसी भी तरह का यात्रा आपके लिए कदापि शुभ नहीं होगा। 4:46 से लेकर 8:35 तक का समय माता के स्वास्थ्य से ज्यादा परेशानी हो सकती है, भाई के स्वास्थ्य से ज्यादा परेशानी हो सकती है, तो समय ये अच्छा नहीं है। आज के दिन आप सुंदर कांड का जरूर पाठ करें, गणेश जी का 108 मंत्रों का जाप करें, या 1.25 किलो पालक या कोई भी हरा चारा आप गाय को खिलावें, लाल गाय को खिलावें विशेषकर, बहुत लाभ होगा। दिन आपका शुभ हो। धनुराशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके 6 स्थान पर, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, मंगल बैठे हुए हैं आपके 3 स्थान पर। आज के दिन भाई से काफी मदद मिलेंगे, पराक्रम आपका काफी बढ़ा हुआ रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से काफी मदद मिलेगा, संचार माध्यम से काफी मदद मिलेगा, जो पत्रकारिता करते हैं उन्हें काफी लाभ होगा, जो प्रतियोगिता परीक्षा दिए हुए हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, पराक्रम आपका काफी बढ़ा हुआ रहेगा, सामाजिक कार्यकर्ता को काफी लाभ होंगे, जो नेता हैं अपने क्षेत्र में जाएंगे तो काफी लाभ मिलेगा। 10:35 से लेकर 12:29 तक का समय भाई से काफी लाभ होने का समय है, और माता के विश्वास से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, काफी लाभ मिलेगा, माता से भी आपको काफी लाभ मिलेगा। कर्म के क्षेत्र काफी बड़े हुए रहेंगे, एजुकेशन लाइन में जो है उन्हें काफी लाभ मिलेगा, धर्म उपदेशक जो है उन्हें काफी लाभ मिलेगा, फिल्मों में जो स्क्रिप्ट लिखते हैं काफी लाभ मिलेगा। 12:29 से लेकर 4:46 तक का समय पराक्रम आपका काफी बढ़ा हुआ रहेगा, विदेश से काफी लाभ मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं, लोहे के व्यापारी को काफी लाभ मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग सेक्टर में है उन्हें काफी लाभ मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति एजुकेशन लाइन में है आज के दिन उनके के लिए बड़ा ही मध्यम है। जो व्यक्ति बैंकिंग सेवा में है, फाइनेंस सेक्टर में है, उनके के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत नुकसान भी आपको नहीं होगा। 4:46 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे मिथुन राशि में, जो आपके सप्तम भाव की राशि है। वर्तमान में चंद्रमा वृषभ राशि में है, मंगल के नक्षत्र में है। चंद्रमा चले जाएंगे मिथुन राशि में, आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा, मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहेगी, मन काफी प्रफुल्लित रहेगा, यात्रा का योग रहेंगे, यात्रा से भी आपको काफी लाभ होगा। तो 4:46 के बाद समय आपका काफी अच्छा आ जाएगा। आज के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें तथा गणेश जी के मंत्रों का, गणेश जी के नाम का 108 नाम का कम से कम 3 जाप करें। हनुमान चालीसा भी पढ़ना आपके लिए बड़ा ही शुभकर होगा। चंद्रमा पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। संतान पक्ष से थोड़े आप सावधान रहेंगे, आज संतान पक्ष से आपको अच्छे समाचार नहीं मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपको संतान पक्ष से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो संतान पक्ष के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करें, सूर्य को जल जरूर चढ़ावे और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल चढ़ावे, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मकर राशि,
चंद्रदेव बैठे हुए हैं वृषभ राशि में, मंगल के नक्षत्र में है, मंगल आपके धन भाव में बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, चंद्रदेव पंचम स्थान में बैठकर आपको काफी लाभ दिला रहे हैं, संतान से तो भरपूर लाभ दिला रहे हैं, व्यापार में जबरदस्त लाभ दिला रहे हैं व्यापार में, लेकिन आपकी भाग दौड़ ज्यादा रहेगी। आज के दिन बहुत सारे युवा युवती खुद से शादी कर सकते हैं, माँ बाप के परमिशन के बिना शादी कर सकते हैं। लव अफेयर्स आपका बड़ा ही शानदार रहेगा आज के दिन। 10:35 से लेकर 12:29 तक का समय जमीन जायदाद से आपको लाभ मिलेंगे, भाई से आपको लाभ मिलेगा, पराक्रम आपका काफी बढ़ा हुआ रहेगा, फिल्मों में काम करने वाले को लाभ मिलेगा, जो सिंगर हैं गायक हैं गायिका हैं उन्हें काफी लाभ मिलने की संभावना प्रबल है। 12:29 से लेकर 4:46 तक का समय थोड़ा सा इस समय ध्यान रखेंगे आपका, विशेष करके पैटर्नल प्रॉपर्टी पर। कुछ लोग साजिश कर सकते हैं इस समय, वाणी में काफी कठोरता रहेगी आपकी, थोड़े कड़े भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे आपके सगे संबंधी आपसे नाराज हो सकते हैं। 4:46 के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे आपके छठे स्थान पर और चंद्रमा मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे, तो थोड़ा कर्ज लेने की भी संभावना है। 4:46 के बाद प्रबल हो जाएंगे आपके। 4:46 से लेकर 8:35 तक का समय जो पुलिस सेवा में है उन्हें लाभ मिलेगा, जो लकड़ी का उद्योग लगाए हुए हैं लकड़ी से जुड़े काम करते हैं फर्नीचर का काम करते हैं उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा, जो केमिकल से रिलेटेड काम करते हैं, जो व्यक्ति चर्म उद्योग में है चमड़े से रिलेटेड काम करते हैं जूते चप्पल का काम करते हैं उन्हें पूरे दिन लाभ मिलेगा। माता के स्वास्थ्य से आपको सावधानी रखनी है, आज के पूरे दिन जो व्यक्ति हृदय रोगी हैं वो अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें और पूर्ण सावधान रहें। आज के दिन आप सुंदर कांड का जरूर पाठ करें, पूरे दिन चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, शनि की सारे साथी भी चल रही है आपको सुंदर कांड का पाठ करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। आज के दिन पंचमुखी हनुमान का जाप करना आपके लिए बड़ा ही बेहतर होगा। ओम पूर्ण कपि मुख पंचमुखी हनुमंते टंग 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 सकल शत्रु संहारनाय स्वाहा। ओम पूर्ण कपि मुखी पंचमुखी हनुमंते ठंग 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 सकल शत्रु संहारनाय स्वाहा। क्योंकि 4:46 के बाद शत्रु थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं, तो ये पंचमुखी हनुमान का मंत्र जरूर जाप करें, काफी लाभ होगा। आज के दिन आप किसी भी पुरोहित को 1.25 किलो मसूर का दाल दान करें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कुंभ राशि, चंद्रदेव वृषभ राशि में बैठे हुए हैं जो आपके चतुर्थ भाव की राशि है, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, मंगल बैठे हुए हैं आपके राशि पे लग्न पर, मंगल आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी है या तृतीय भाव के स्वामी है, तो पराक्रम तो आपका बढ़ा हुआ रहेगा। यात्राएं आज के दिन आप 4:46 तक न करें, क्योंकि 4:46 तक चंद्रदेव रहेंगे चतुर्थ स्थान पर वृषभ राशि में और मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, मंगल आपके राशि पे बैठे हुए हैं, तो 4:46 तक यात्रा करना आपके लिए शुभ नहीं है। जो भी यात्रा शुरू करनी है 4:46 के बाद करें, थोड़े से गुस्से का प्रकोप रहेगा, वाणी में काफी मधुरता रहेगी, जो व्यक्ति ज्योतिषी हैं उनके द्वारा बोला हुआ आज वाणी अकाट सत्य होगा, उसे कोई काट नहीं सकता है।
जो व्यक्ति जुडिशियल सेवा में है उनके द्वारा लिखा हुआ डिसीजन कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति वकील हैं उनकी दलीलें आज के दिन बहुत ही शानदार होंगी और अपनी दलील से वे सबों को प्रभावित करेंगे। पराक्रम तो आपका बढ़ा हुआ रहेगा, सूर्य राहु बैठे हुए हैं पराक्रम स्थान पर, लेकिन फिर भी विदेश से कुछ गेन होने का संकेत मिल रहा है आपको, विदेश से लाभ होने की संभावना है आपको। 10:35 से लेकर 12:29 तक का समय, ये समय जमीन जायदाद से आपको काफी लाभ होगा, धन को संचय करने में काफी लाभ होगा, धन के गेन होंगे, तो इस समय काफी अच्छा है। 12:29 से लेकर 4:46 तक का समय, ये समय थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव का रहेगा, थोड़े सुस्त रहेंगे, थोड़े आलस से युक्त रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा कि थोड़ा ये करें या वो करें। फिर भी बुद्धि आपके काफी तेज रहेंगे, बुद्ध देव चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ, अब बुद्ध देव आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, बुद्ध आपके संतान भाव के स्वामी हैं, तो आज के दिन शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको फायदा हो सकता है। ग्रोसरी के व्यापार करने वाले को काफी फायदा होगा, शिक्षा क्षेत्र में जो है उन्हें काफी फायदा होगा, फाइनेंस सेक्टर में जो है काफी फायदा होगा। 4:46 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे आपके मिथुन राशि में, जो आपके पंचम भाव की राशि है। समय बहुत ही शानदार आ जाएगा आपका, लेकिन चंद्रमा मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे, तो 4:46 से लेकर 8:35 तक का समय थोड़े ब्लड प्रेशर पर अपना ध्यान रखें। पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज के दिन शनि की सहस्राती का दूसरा ढैया चल रहा है आप पे, शनि खुद घनिष्ठा नक्षत्र में है यानी मंगल के नक्षत्र में है, मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में है आपके। अब बृहस्पति धन भाव में बैठे हुए हैं तो जमीन ज्यादा से तो लाभ होना है। आज के दिन आप हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करें तथा विष्णु सहस्त्रनाम का भी जरूर जाप करें। आज के दिन इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। दिन बुधवार है, शुरुआत तो गणेश जी के मंत्रों से करें, 108 नाम का जाप करें। दिन वैसे आपका अच्छा है, फिर भी बृहस्पति देव आपको धन भाव में बैठकर काफी लाभ दिला रहे हैं, तो विष्णु जी के मंत्रों का जरूर जाप करें, दिन आपका शुभ हो। मीन राशि, चंद्रदेव वृषभ राशि में बैठे हुए हैं जो आपके तीसरे स्थान की राशि हैं, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, मंगल आपके 12वें में बैठे हुए हैं, जमीन जायदाद से नुकसान होगा, रियल एस्टेट वाले को नुकसान होगा, लेकिन विदेश यात्रा का समय दिखलाई दे रहा है। जो व्यक्ति केमिकल से रिलेटेड काम करते हैं, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग सेक्टर में है, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें विदेश में नौकरी मिल सकती है, विदेश जाने का प्रबल योग है, विदेश से अच्छे समाचार मिलने का प्रबल योग है। बृहस्पति देव शुक्र बैठे हुए हैं आपके लग्न पर, राशि पर काफी रोमांटिक और काफी धार्मिक बना रहे हैं। बृहस्पति देव संतान को काफी उन्नति दे रहे हैं, पंचम दृष्टि संतान भाव पर है, जीवन साथी से काफी लाभ दिला रहे हैं, बृहस्पति देव भाग्य को काफी प्रबल कर रहे हैं, विदेश का रास्ता साफ कर रहे हैं। 10:35 से लेकर 12:29 तक का समय थोड़े सावधान रहने का समय है, कुछ चोट वगैरह लग सकता है आपको, जमीन जायदाद से थोड़े लाभ हो सकते हैं,
12:29 से लेकर 4:46 तक का समय, ये समय कहीं से अच्छा नहीं है। लेकिन इस समय उनके के लिए अच्छा है जिनके विदेश के योग बने हुए हैं, जो विदेश से बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, जो स्टूडेंट विदेश से आकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके के लिए समय बड़ा ही सुंदर है। 4:46 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे मिथुन राशि में, जो आपके चतुर्थ भाव की राशि है। तो अगर कोई भी यात्रा करनी हो तो 4:46 PM के पहले करें। 4:46 के बाद किसी भी तरह का यात्रा निषेध रखें, यात्रा से थोड़ी परेशानी हो सकती है, संतान से थोड़ी परेशानी हो सकती है 4:46 के बाद। जो व्यक्ति डॉक्टर हैं, जो व्यक्ति सर्जन हैं, जो व्यक्ति दवा का कारोबारी हैं, जो व्यक्ति होम्योपैथ के दवा के कारोबारी हैं, उनके के लिए पूरे दिन आज समय बहुत ही शानदार है। तो आज के दिन आप, बुधवार का दिन है, दुर्गा जी का 108 नाम जाप करें या दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जाप करें। सर्वावाधा प्रसन्नम त्रिलोक सकलेश्वरी एमेम तुम कार्यम अश्वत भैरी विनाशनम। सर्वावाधा प्रसन्नम त्रिलोक सकलेश्वरी एमेम तुम कार्यम अश्वत भैरी विनाशनम। काफी लाभ होगा, शनि की सारी साथी चल रही है। मीन राशि वाले आपको थोड़ा सा सावधान रहें, स्वास्थ्य पे सावधान रहें, जानवरों से सावधान रहें, जानवरों से भी कष्ट हो सकता है, वाहन से सावधानी से चलावे। तो मीन राशि वाले थोड़ा समय आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो शनि के भी मंत्रों का जाप करें, हनुमान चालीसा का भी रेगुलर पाठ करें आप। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि की काफ़ी शांति मिलेगी आपको, दिन आपका शुभ हो। राशिफल की श्रृंखला में इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।